हेलो एवरीवन। तो आज की रीडिंग करने वाले हैं हम कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह क्या वो आपको जो है मिस कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही है, क्या आज सुबह सुबह वो आपको मिस कर रहे थे, आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक, रीडिंग का टॉपिक ये है। चलिए देखेंगे और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, मैंने आपको कल रात वाली वीडियो में जो है मैंने आपको इस ब्रेसलेट के बारे में बताया था, एमेथिस्ट। इस ब्रेसलेट का नाम है एमेथिस्ट ब्रेसलेट। और ये जो ब्रेसलेट है इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे। आप लोगों ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि दी फिर से आप बेनिफिट्स मुझे बता दीजिए, फिर से बेनिफिट्स बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो सबको ही बता देते हैं एक ही बार। ठीक, तो ये जो एमेथिस्ट ब्रेसलेट है, ठीक है, इसको जमुनिया कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों का साइन, सबसे पहले बर्थ स्टोन है ये, फरवरी में जन्म लिए हुए जो लोग हैं, जिनका जन्म फरवरी मंथ में हुआ है, उनका ये बर्थ स्टोन है। ठीक है, बर्थ स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। ठीक, उसके बाद जोडियक साइन पाइसिस के लिए है ये। ठीक है, मीन राशि जिसको कहते हैं उसके लिए है। ठीक, आप जो है अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसके लिए इसका है। ठीक है, वो बेनिफिट ये देता है, फाइनेंशियली आपको ग्रोथ लाता है, आपका रिलेशनशिप बहुत ही रोमांटिक करता है। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई रोमांस नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो उसमें ये बढ़ोतरी करता है। साथ ही साथ ये आपके क्राउन चक्रा को हील करता है, आपके अंदर आत्मविश्वास को लाता है, आपके थर्ड आई चक्रा को हील करता है, माइंड को और आपकी इंट्यूशंस पावर को बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है। यानी कि कहें तो उसमें क्लैरिटी लेके आता है, माइंड को शांत करता है। ठीक है, और ये जो है आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर वो लेके आता है। ठीक, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है पावर को बढ़ाता है। अगर आप जो है समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, आपके थॉट्स क्लियर नहीं हैं, तो उसके लिए भी जो है ना ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप इसको जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग अपने आप को बहुत डिप्रेशन में फील करते हैं, जैसे कि टेंशन बहुत बढ़ती चली जाती है, है ना, और ख़त्म नहीं होती, तो वहाँ पे भी जो है ना आप लोग जो है इस एमेथिस्ट ब्रेसलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मन अशांत रहता है, तो आप इस एमेथिस्ट ब्रेसलेट को यूज़ कीजिए। ठीक है, ओके, ये जो ब्रेसलेट है ये प्यार के लिए भी ऐसे है। ठीक है, जो लोगों के लाइफ में प्यार की कमी है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके लिए भी दिया जाता है ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। और आप जो है अगर आपकी शादी हो गई है, तो जिनकी फोर्थ एनिवर्सरी है या जिनकी सिक्स्थ एनिवर्सरी है, वो अपने पार्टनर को ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट या पिरामिड आप लोग गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप को सही करने के लिए इसका ये एक कह सकते हैं ना कि इसका एक ये उपाय है रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ओके, सो ये जो ब्रेसलेट है आप लोग पहन सकते हैं। आप अगर लेना चाहते हैं, एक्टिवेटेड लेना चाहते हैं, एकदम से कांटेक्ट कीजिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, वहाँ पे आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी कैसे कैसे क्या करना है और क्या प्राइस है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आपके एक्टिवेट करने के लिए क्या डिटेल्स आपके चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। और ये जो साइज है आप एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है एमेथिस्ट ब्रेसलेट की कुछ बेनिफिट्स। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, अपनी रीडिंग पे आते हैं, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह। तो एनर्जी ऑरेकल डेक से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज थी आज सुबह की। ठीक है,
ओके ओके ठीक है ओके चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। इन एंड यंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक नंबर 22। नंबर 22 है इन एंड यंग। सबसे पहले तो कार्ड बता रहा है बैलेंस के लिए, बैलेंस बनाने के लिए नंबर 44। क्या बात है एंजल नंबर, नंबर 22 और 44 एंजल नंबर ही है गाइस। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, लगता है कि आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं। नंबर 7 ओके ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है मुझे, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। देखिए आपके पर्सन, एक तरीके से देखा जाए तो आपके पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग लिए हुए है आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वे में थिंकिंग करते हुए पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन है ना एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे इनको इनको जो है ना आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा परेशानी मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन को परेशान होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर जो है परेशानी हो रही है। इनको लग रहा है कि शायद आप की शादी कहीं फिक्स हो गई है या आप जो है कहीं और शादी करना चाहते हो इनको छोड़ करके, आप इनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, अब जो है आप इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हो, अब जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक, इस वजह से इनको थोड़ा सा एंजाइटी हो रही है, इनको प्रॉब्लम हो रहा है, इनको लग रहा है जैसे कि हाथ से सब कुछ छूटता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन को परेशानी हो रही है, आपके पर्सन डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बहुत हेडेक में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है ये पर्सन। ठीक, और ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी से कहीं दूर चले गए, ठीक, जैसे कि आप अपनी स्टडी से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड किसी काम से आउट ऑफ कंट्री हो, ठीक, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में सोच रहे हो, वहाँ सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप चले गए बिना इनसे मिले, बिना इनको कोई खबर किए, तो इनका क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको एंजाइटी हो रहा है सोच सोच करके, ओवरथिंकिंग तो कर रहे हैं पर्सन, काफ़ी उदास है अंदर से, इनका दिल जो है ना काफ़ी सर्वाइव करता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक, ये पर्सन मुझे अपनी अपनी जो अपना जो दिल है, ठीक है, इसमें किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं ये पर्सन। ठीक, और एंट्री नहीं देना चाहते क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लगता है कि क्यों, जब मैं उसके लिए हूँ वो मेरे लिए है तो इसमें दूसरे का क्या काम आना। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं आना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन क्या है कि हर किसी को एंट्री नहीं मिल सकती ना हमारे दिल में। तो कार्ड्स वही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ आना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत ही जिस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा है इनसे। ठीक है, तो कमी है आपके पर्सन में भी है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना अपना दिल में आपके लिए जो जगह है वो किसी और को नहीं देना चाहते हैं, और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो डाउट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग किसी पार्टी वगैरह में भी मिलने की आप लोगों की प्लानिंग थी पहले, बट किसी कारणवश नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि हाँ मिलने की प्लानिंग थी, किसी कारण से नहीं मिल पाए, लेकिन चाहत अभी भी है मिलने की। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है अभी फ़िलहाल।
चलिए और देखते हैं कार्ड्स, यानी कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, वाव, एट ऑफ वैंड्स, क्या बात है, फाइव ऑफ वैंड्स, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लड़ाई हो रही है, एट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया तो मुझे हंसी आई, लेकिन फिर फाइव ऑफ वैंड्स उसी समय आ गया। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच जो भी हुआ है, जो भी बातें हुई हैं या जो भी एनर्जीज हैं, ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप जो है, आपके पर्सन आपके करीब आना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन किसी न किसी ऐसे पर्सन की बातों में आ चुके हैं। कहते हैं ना कि जो इनको ये टेंशन दे रहा है ना, वो यही पर्सन है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है ये इंसान, ठीक है, ये लेडी पर्सन है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग, बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब करने वाली लेडी पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है देने वाली या करने वाली ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन हैं, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहते हैं ना कि लाइफ एकदम से स्ट्रगल में चलती हुई दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में चलती हुई दिखाई दे रही है और ये पर्सन काफ़ी स्ट्रगल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है इनकी लाइफ एकदम से रुक रही है और मतलब आपके विषय को लेकर के, आपके बारे में लेकर के इस पर्सन से किसी न किसी की लड़ाई हो रही है। अभी फ़िलहाल ये पर्सन अभी किसी न किसी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह सुबह भी इनका माइंड डिस्टर्ब इसलिए हो गया था क्योंकि आपके बारे में किसी ने उल्टा सीधा इनको पढ़ाया था, मतलब किसी ने उल्टा सीधा इनको आपके बारे में ज्ञान देने की सोची थी। तो यहाँ पे ये पर्सन को दिख रहा है कि इस पर्सन को गुस्सा आया, ठीक है, ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन गुस्से में थे और ये पर्सन ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं अकेले अकेले क्या करूँगा, यानी कि एक तरफ सारी लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हैं या आपसे रिश्ता न जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं लोग, ठीक, तो यहाँ पे ये पर्सन ही सिंगल हैं जो कि आपके साथ आने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को तकलीफ़ में फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दर्द में फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को जो होता है ना कि लाइफ यार कहाँ से कहाँ आ गई है, कुछ समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये फील करती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन सोच तो रहे हैं आपके तरफ आने का और आपके तरफ जो है बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपके तरफ फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट इनकी फाइनेंसेस, इनका करियर भी चौपट होता हुआ दिख रहा है मुझे। इनका फाइनेंस, इनका करियर जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि इनका करियर, इनका फाइनेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए भी चल रहा है कि मतलब अपनी लाइफ में ये पर्सन कितनी भी मेहनत कर लें, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है ना यहाँ पे
ये नहीं हो पा रहे, मतलब कि सही तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक अंदर से अकेलापन जो होता है ना, उस चीज़ को फेस करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है, जैसे कि ये जिस भी पर्सन की बातें मान रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, जिस भी पर्सन की बातें मान रहे हैं ना, उसकी बातें मानकर ये पर्सन को पछतावा भी होगा। इस पर्सन को फील होने लगा है कि अगर मैंने उनकी बातें मानी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। आपके पर्सन मुझे थोड़ा सा अपने बारे में सोच करके और डिसीज़न लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके लिए ही इनको स्टैंड लेना है या आपके साथ ही इनको यूनियन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है द वर्ल्ड की एनर्जी और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। एकदम से आपके तरफ ही जो है ना, इस पर्सन को फोकस करना है, आपके तरफ ही आना है, आपके तरफ यानी कि आपके लिए इनको एक्शन डिसीजन सब कुछ लेना है, ठीक है। वो मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेंगे, अपने एनर्जी में बैलेंस करेंगे, इन यांग की एनर्जी में आएंगे ये पर्सन, बैलेंस करेंगे, आपको समझेंगे, खुद को समझेंगे और तब इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको रीडिंग रेजोनेट की होगी। तो आप और रीडिंग में क्या चाहते हैं, एडिशनल क्या चाहते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइए व्हाट्सएप पे या मेरे दूसरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इसका कमेंट बॉक्स जो है बंद है और बंद ही रहेगा। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।